नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ लाइव पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है कुछ समय पहले जीएसटी के डिपार्टमेंट के तरफ से एक एडवाइजरी आया था। वो एडवाइजरी ईवीएम से के जनरेशन से रिलेटेड था, तो इस वीडियो में वही डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए जो है ना आप देखते हैं इस वीडियो में जो है एक ईवीएम जनरेशन से रिलेटेड एक एडवाइजरी जो आया था, वो एडवाइजरी क्या था। जैसा कि जो है ना इस एडवाइजरी में इंफॉर्मेशन है कि ये एडवाइजरी उस मैटर से रिलेटेड है जिसमें वो मैटर है सप्लाई ऑफ जो है ना सर्विसेज। कुछ ऐसे जो है ना टैक्सपेयर्स हैं जो सब केवल जो है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं, और वो कुछ जीएसटी डिपार्टमेंट को जो है ना मैटर कंसर्न किया था या मीन्स रेज किया था कि उनका जो है ना ईवीएम जनरेशन नहीं हो रहा। और तो इसी बेसिस पे यहाँ पे जो है ना इन्होंने एडवाइजरी निकाला है उनके डाउट को क्लियर करने के लिए। और ये एडवाइजरी है क्या, देखिए, एडवाइजरी फॉर टैक्सपेयर्स रिगार्डिंग जनरेशन फॉर ई वे बिल वेयर प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मीन्स ये एडवाइजरी उसके लिए है जो ई वे बिल जनरेशन से रिलेटेड वहाँ पे या उस प्लेस पे जहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन प्रिंसिपल सप्लाई जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसके लिए ये एडवाइजरी है। ये कहता है रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ट्रेड बॉडीज स्टेटिंग दैट दे आर नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स वेयर दैट प्रिंसिपल सप्लाई इज क्लासिफेबल एज सर्विसेज। सिंस देयर इज नो प्रोविजन फॉर जनरेटिंग ई वे बिल बाय एंटरिंग सर्विस अकाउंटिंग कोड चैप्टर 99 अलोन ऑन द ई वे बिल पोर्टल। मीन्स यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि कुछ व्यक्ति जो है ना ट्रेड वाले पीपल जो है या ट्रेड बॉडी जो है वो मैटर कंसर्न किया था, इनको रेज किया था कि जिसका प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई जो है ना वो जो है ना सप्लाई है और प्रिंसिपल ऑफ प्लेस जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई का है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे। और इसका जो है ना इशू ये हो रहा है कि वो प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई के साथ साथ जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ गुड्स ऑफ मूवमेंट भी करते हैं। सपोज कीजिए कोई प्रिंसिपल प्रिंटिंग करते हैं तो ये सप्लाई जो है ना सर्विसेज करते हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता है वो जो है ना बुक जिसके नाम से बुक वो इशू जो ना होते हैं या बुक छपवाते हैं प्रिंट करवाते हैं वो उसके पास जाता है। तो उस पीरियड में क्या करते हैं कि इनको इशू हो रहा है जो है ना और वे विल जो है ना उस इशू करने के लिए, और वे विल इशू करने में जो इनको इशू हो रहा है इसका मेन कॉज क्या है कि इनका प्रिंसिपल ऑफ जो है ना ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेस जो है ना और ये सप्लाई प्लेस जो है ना वो जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई है और प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है, और प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आने के कारण वो उस प्लेस पे उनका वे बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है वो जब सिलेक्ट करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे उनका एडवाइजरी है। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे इस इशू से जो है ना आगे बढ़ना है या फिर जो है ना कैसे इस इशू को जो है ना रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एडवाइज देवर टू ओवरकम दिस सुजेस्ट टैक्सपेयर आर एडवाइज एज बिलो। रूल 138 ऑफ जीएसटी रूल 2017 इंटर एलिया स्टेट्स इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमिशनमेंट और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। मीन्स रूल 138 ऑफ जीएसटी रूल 2017 कहता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और गुड्स का मूवमेंट चालू करना कर रहे हैं तो उसके पहले आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट को। और उसी के आगे कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु काज
मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, दस ई वे विल रिक्वायर टू बी जनरेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मीन्स 138 कहता है कि जो है ना गुड्स मूवमेंट करने के पहले आपको जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को प्लेस ऑफ मूवमेंट का जो है ना आपका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कहाँ से गुड्स आप मूव कर रहे हैं, और फिर जो गुड्स मूवमेंट कर रहे हैं वो कम से जो है ना अगर 50,000 से ऊपर आपका हो जाता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा कहता है देयरफॉर इन केसेस वेयर प्रिंसिपल सप्लाई इज प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड इन्वॉल्विंग नो मूवमेंट ऑफ गुड्स द ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। फिर यहाँ पे जो कहता है कि ऐसे प्रिंसिपल जो है ना प्रिंसिपल सप्लाई है या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल जो है ना है वहां पे जहाँ पे प्योरली जो है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और वहां पे जो है ना नो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है ना होता है तो ऐसे जगह से वहां पे ई वे बिल जनरेट करने की कोई भी प्रावधान या जो है ना सिस्टम नहीं है। मीन्स वहां वैसे जगह से आप बी विल जनरेट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे जो है ना प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो प्लेस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई जो प्योरली सप्लाई ऑफ जो है ना सर्विसेज है और वहां से कोई भी गुड्स मूवमेंट नहीं होता है। उसी के लिए कहता है हाउएवर इन केसेज वेयर अलोंग विद प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विसेज मूवमेंट ऑफ सम गुड्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व। मीन्स ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्रिंसिपल वहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो सर्विसेज है लेकिन कुछ वहाँ से गुड्स मूवमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं या मीन्स गुड्स जो है ना मूवमेंट भी होते हैं तो ई वे बिल मे बी जनरेटेड, वहाँ से ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। सच सिचुएशन में अराइज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग सर्विसेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो है कैटरिंग सर्विसेज पंडाल एंड समियाना सर्विसेज इटीसी। इस ऐसे इस जो है के बारे में बिजनेस के बारे में दिया है जहाँ पे जो ना प्रिंसिपल सप्लाई इज प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विसेज है लेकिन वहाँ से गुड्स भी मूवमेंट होते हैं जैसे प्रिंटिंग सर्विसेज है, प्रिंटिंग सर्विसेज है यहाँ पे बुक प्रिंट होते हैं या कोई पेपर प्रिंटिंग होते हैं लेकिन वहां से सर्विसेज तो प्रिंटिंग का है लेकिन वहां से जो ना बुक जो ना प्रिंट जो होते हैं उसका मूवमेंट भी अदर प्लेस पे होना है। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मीन्स जो है ना वो प्रिंसिपल जो है ना वर्क करने वाले दूसरे होते हैं उनका एक कुछ एक्चुअली वर्क करते हैं जिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले एक्चुअली वर्क करते हैं अपना एक गुड इनका गुड्स नहीं होता एक दूसरे से गुड्स लेते हैं और वर्क उस पर वर्क करके फिर उसको रिटर्न करते हैं। तो ऐसे जो प्लेस जो है ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में आते हैं। फिर कैटरिंग जो है ना सर्विसेज है कैटरिंग सर्विसेज वाले सर्विस देते हैं लेकिन इसके साथ कुछ गुड्स भी मूवमेंट करते हैं जैसे पंडाल एंड समियाना सर्विसेज है इसमें भी सर्विसेज देते हैं लेकिन यहाँ से गुड्स मूवमेंट भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए यहाँ दिया हुआ है इन सच सिचुएशन ई विल मे बी जनरेटेड बाय एंटरिंग द एचएसएन कोड ऑफ गुड्स। मीन्स आप जहाँ से सप्लाई सर्विसेज ऑफ सप्लाई करते हैं वहाँ पे सर्विसेज ऑफ सप्लाई कंप्लीट होने के बाद जो गुड्स मूवमेंट होता है उस गुड्स का एचएसएन कोड आप डालने के बाद और उस सर्विस एचएसएन कोड डालेंगे उसके साथ में जो है ना सैक का भी आपको एचएसएन कोड डालना पड़ेगा सॉरी सैक का भी जो ना यानी सर्विसेज का अकाउंटिंग कोड डालना पड़ेगा उसके बाद वहाँ से आपका ई वे बिल जो है ना जनरेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग यही देखा कि जो ना जो व्यक्ति का जो है ना प्लेस जो है ना प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और मूवमेंट ऑफ गुड्स भी उसके साथ होता है तो वहाँ वो व्यक्ति कैसे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद।